हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रॉबी संतोष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हर आर्टिस्ट के मन में एक सवाल होता है कि क्या ड्राइंग छाप के बनाना गलत होता है। तो गाइस, मतलब ये ऐसा सवाल है कि जो हर आर्टिस्ट के मन में एक बार ज़रूर आता है, एक बार नहीं शायद पता बहुत बार आता हो। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या ड्राइंग छाप के बनाना गलत होता है। तो गाइस, इसी बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बस आपको वीडियो एंड तक देती रहनी है। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप में से बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे जैसे आर्टिस्ट हैं, तो आपने बचपन में तो खैर बहुत ड्राइंग छापी होंगी। गाइस, अगर आपने ड्राइंग छापी है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो मतलब ड्राइंग छाप के बनाने में खैर कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं होती। बस हाँ, ये आपको आदत नहीं होनी चाहिए कि आप मतलब अगर शुरू से ड्राइंग छाप रहे हो तो आप लास्ट में भी ड्राइंग छापोगे। जैसे गाइस, अगर मैं बात करूँ जो बिगिनर्स होते हैं, जो उनसे नीचे होते हैं, वो ड्राइंग छाप के बनाए तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ड्राइंग छाप के बनाने से होता क्या है, एक्चुअली हमारी जो आउटलाइन जो होती है ना, वो मतलब सही बनने लगती है। अगर गाइस आप दिन में 2-3 ड्राइंग अगर छाप के बनाते हो ना, तो अगर उसके बाद आप एक ड्राइंग अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाओ तो बेटर बनती है। आप एक बार ट्राई करना। तो गाइस एक बार और, कि अगर आप दिन में 3 ड्राइंग छाप के बनाते हैं और चौथी ड्राइंग अगर आप अपने मन से बनाते हैं ना गाइस, तो वो ड्राइंग काफ़ी अच्छी बनती है। तो मतलब ड्राइंग छाप के बनाने में खैर कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी आदत ना डालें तो काफ़ी सही रहेगा। जैसे बात करें नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक की, अगर आपकी आदत है कि ड्राइंग छाप के बनाने की, तो सही है। अगर उसके बाद भी आदत रही आपकी ये, तो खैर ये थोड़ा मतलब ये दिक्कत वाली बात है। आप प्रैक्टिस करना सीखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप छापने की विधि से ऊपर नहीं आ पाओगे। आपको मतलब ड्राइंग छाप के बनाने में खैर कोई दिक्कत नहीं होती अभी भी, लेकिन होता क्या है ना, एक अंदर से जो कॉन्फिडेंस रहता है वो गिर जाता है। हम क्या सोचते हैं कि हमने ड्राइंग छाप के बनाई है, अब इसको जैसे मर्जी वैसे करते हैं, तो ऐसा होता है। अगर हम ड्राइंग अपनी मतलब एकदम 1-2 घंटे लगाकर उसकी आउटलाइन ड्रॉ करें, ग्रिड मेथड से ड्रॉ करें, तो काफ़ी सही रहता है। उससे मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ यार, मैंने आउटलाइन बनाई है, और हम उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। तो गाइस ये बात तो सच है कि अगर हमसे आउटलाइन अच्छी बनती है तो हम सोचते हैं कि हमारी जो अब आगे का काम है वो और सही होगा। और गाइस ऐसा होता भी है, एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज़ होता है। तो गाइस मतलब इसीलिए ये कहा जाता है कि छापने का मेथड जो होता है वो खैर शुरू में सही होता है, बच्चों के लिए सही होता है, लेकिन बाद में जो धीरे धीरे बड़े होते हैं उनके लिए गलत हो जाता है। तो गाइस मतलब कहने का मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस खूब करो। और गाइस एक बात और, कि अगर आपको आउटलाइन बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप उससे निराश मत हो, आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी आप सीख जाओगे। तो गाइस मतलब ड्राइंग जो होती है ना, एक्चुअली होता क्या है, ड्राइंग तब भी अच्छी बनती है जब वो आप अपने ऑब्जर्वेशन से बनाओ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, आपने मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट देखे होंगे, तो क्या गाइस उन्होंने कभी पेंटिंग देख के बनाई है? वो जो बनाते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं, तभी तो उनकी पेंटिंग लाखों लाखों करोड़ों में बिकती है। तो गाइस मतलब आपने सुना कि मतलब मैंने क्या क्या कहा, कि मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन पावर मजबूत करो, सुबह जल्दी उठो, ये करो वो करो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वेशन पावर से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी सोच बड़ी हो। जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी ड्राइंग को लेकर, जब तक आप ड्राइंग को सिर्फ कॉपी और पेज तक सीमित रखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप ड्राइंग को पूरी दुनिया में देखो। गाइस भगवान ने तो खैर पूरी दुनिया बनाई थी, लेकिन अब हमने ही मतलब उसमें जो भी कलर्स है वो करे हमने। गाइस जब पहले इंसान आए थे तो उनको आँख के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो उन्होंने आँख बनाई। उसके बाद गाइस धीरे धीरे करते करते आप देख रहे हो कि इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, कलर्स का मतलब आविष्कार हुआ। तो गाइस ऐसे ही मतलब हम, पहले जो हमारा वर्ल्ड था वो पूरा ब्लैंक था, लेकिन धीरे धीरे हमने मतलब अपने क्रिएटिविटी माइंड से उसको पूरा मतलब कलरफुल करा, तो आज जाकर आप देख सकते हो कि दुनिया कैसी है एज़ कम्पेयर टू जो पहले थी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहा करें। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।